किसी ने पूछा व्हाट इज लव, प्यार क्या है, तो किसी ने कहा प्यार दोस्ती है, तो कोई और बोलता है प्यार एहसास है, तो किसी ने कहा भरी महफिल में स्टेज पे खड़े होके ये बोलना जानू सोना आई लव यू, ये प्यार है। ये प्यार के कुछ पल हो सकते हैं बट प्यार इससे बहुत ज्यादा है। 365 दिन में एक दिन स्टेज पे खड़े होके प्यार जताना बस प्यार का एहसास दिला सकता है, प्यार नहीं होता है। 365 दिन में एक बार नहीं बोलना होता है, 365 दिन के 365 दिन में हर एक दिन कम से कम एक बार उसे जताओ जिससे तुम प्यार करते हो, उसे बताओ जिससे तुम प्यार करते हो, और ये हमेशा करो। प्यार में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार में जताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप प्यार करते हो तो उसे बताओ, एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेशन ऑफ लव इज द पार्ट ऑफ द लव, और ये पार्ट नहीं है, इट इज द सोल ऑफ द लव। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बताओ, एक बार नहीं बार बार बताओ आप उससे प्यार करते हो, उसकी अहमियत बताओ, उसे बताओ कि वो बहुत खूबसूरत है, उसे बताओ कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उसकी लाइफ में। तो प्यार एक एहसास से बड़ी क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ लव आई सेड इज द सोल ऑफ द लव। एक्सप्रेस करो, आगे बढ़ो, और बार बार एक्सप्रेस करो कि वो आपके दिल में, दिमाग में, आपके जहन में उसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं है। प्यार जीना होता है, प्यार निभाना होता है, और प्यार बताना होता है। आप सोच सकते हो एक टीचर आखिर प्यार की बातें क्यों कर रहा है। प्यार और पढ़ाई में बहुत ज्यादा समानता है। आप एक दिन प्यार जता के वापस बैकफुट पे आ जाओ तो ये कहीं ना कहीं बस प्यार को प्यार की तरह करने जैसा एहसास नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर आप कुछ दिन बहुत जोश लगा के पढ़ाई करते हो, स्टार्ट में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और बाद में धीरे धीरे बैकफुट पे आते हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई की वो इम्पोर्टेंस घट जाती है, वो आउटकम घट जाता है। तो जिस तरह प्यार आपको बार बार बताना जताना पड़ता है, उसी तरह स्टडी को भी बार बार करना होता है। 365 दिन के 365 दिन आपको स्टडी में लगे रहते हैं। आप स्टडी को पढ़ना मत स्टार्ट करो, आप स्टडी को जीना स्टार्ट करो, स्टडी को बताना स्टार्ट करो। लुक बॉस, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट को बताओ कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस है, उसे देखो, उसे सीखो। जिस तरह प्यार बस एक आदमी से होता है और होता चला जाता है बार बार, उसी तरह लोग मुझसे पूछते हैं सर कौन से बुक्स को पढ़े, कौन से टीचर को पढ़े, तो आप जो भी बुक्स उठाते हो किसी भी एक टीचर से पढ़ते हो उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करो और कंटिन्यूटी में रिपीट करो। ऐसा नहीं हो कि एक बार करते हैं फिर बैकवर्ड पे आते हैं। कोई भी बुक उठा लो, कोई भी टीचर को पकड़ लो जो आपके उस फोर्टे का एक अच्छा टीचर हो, तो आप उसके साथ बार बार उस चीज को कंटिन्यू करते रहो। दिस इज पढ़ाई, दिस इज प्यार। पढ़ाई से प्यार कर लो, प्यार को पढ़ाई बना दो, आपकी जिंदगी, दैट मीन्स आपका एग्जाम सफल हो। तो जिस तरह प्यार को जताना निभाना पड़ता है, उसी तरह पढ़ाई को पढ़ना और जीना पड़ता है। तो आओ साथ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपका ख्याल मैं रखता हूँ, आप अपनी पढ़ाई का ख्याल रखो, आगे बढ़ो। मेरा एक मानना है व्हेन वी केयर फॉर यू, मैं आपकी केयर करता हूँ, हमारी टीम आपकी केयर करती है, आपकी स्टडी की केयर करती है। तो कोई भी डाउट या आपको शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी टीम से बातें कर सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्यार बताना पड़ता है, पढ़ाई दिखानी पड़ती है, और पढ़ेंगे इंडिया तभी तो बढ़ेगा। मैं आपसे बोलता हूँ मैंने हमेशा बेस्ट किया है, आप तो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक ऑल द एक्सपेक्टेशन विद द फैक्ट्स। माय सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लाइफ एंड बाय।